नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका टेड एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में AEEES के अंदर मैथ्स और रीजनिंग के आए थे, तो उसको देखेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर हम पहला देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन देखेंगे बेसिकली आज। तो 56% ऑफ वाई, 56% परसेंट मतलब 100 नीचे, और किसका? y का। y का हमें 56% निकालना है ना, यही तो कहा गया है। 56% इंटू वाई इक्वल टू 182, ये आ जाएगा 182 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो ये है 182। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, बताए कैसे करेंगे भाई। ये हम देख पा रहे हैं, ये कट रहा है हमारा किससे, 7 7 2 14, और आपका कितना आ जाएगा, 7 6 42, तो 26 टाइम कट गया और ये 8 टाइम कट गया, है ना। ये कर पाएंगे आप? ठीक है, अब आपका ठीक है। तो ये y की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, तो ये आपका 26 गुणा 100 बाय 8 आ जाएगा, आ जाएगा ना 8, तो ये 8 आ गया हमारा यहाँ पर। अब 8 से कट कर रहे हैं 2 बार, 2 की टेबल चला लो, ये आ गया 13, और ये फिर 4 से ये कितनी बार कटेगा, 25 टाइम्स, है ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं, लास्ट में 5 आना चाहिए और 5 एक ही में आ रहा है। 3 और 13 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आप क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी 325, ऑप्शन नंबर सी 325 क्या आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ठीक है ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। Y हैज स्कोर 40% मार्क्स ऑफ द पास, 40% मार्क्स उसने स्कोर किया है, मतलब स्कोर करना है 40% मार्क्स पास होने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, ही गेट्स 20 मार्क्स, 20 नंबर लाता है और फेल हो जाता है 60% 40 नंबर से, है ना। He get 20 marks and fail by 40 marks. तो मतलब कि 20 और 40 अगर मिला दे तो 60 marks आने पर वो पास हो जाना चाहिए था, 60 marks आने पर वो पास हो जाना चाहिए था, और हमारा हमें क्या बताया था, 40% बराबर है हमारा passing marks के। तो हम ये कह सकते हैं ना भाई, क्या कह सकते हैं कि 40% हमारा बराबर है 60 मार्क्स के बराबर है। अब हमें पूछा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, मैक्सिमम क्या है, 100% मार्क्स पता होने चाहिए, 100% कितना होगा, है ना। तो 40% नीचे चले जाएगा और ये 100 इंटू में आ जाएगा 100% निकालने, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाती है, तो ये 4 से ये कट हो गया और आपका ये 2 टाइम्स, और ये आ गया 3, और ये आ गया 50 हो जाएगा, ये 3 into 5 50 कितना हो जाएगा, 150। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 150 मार्क्स का टोटल पेपर था, उसने स्कोर किया 20 और वो फेल हो गया 40 नंबर से, मतलब कि वो 60 नंबर पे पासिंग मार्क्स थे, 60 नंबर हमारा पासिंग मार्क्स था और 90 मार्क्स हमारा। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए, चीजें क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, यहां पर फ्रैक्शंस को ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, तो हमें ये तो पता ही है, ये 0.5 होता है, और 3/4 पता है कितना होता है, 0.75,
ये चीज पता है हमें, है ना, ये चीज हमें पता है। अब ये देखेंगे और ये देखेंगे, 17 और 18 में से कौन सा बड़ा है? ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं 17 गुणा 18 करेंगे तो आ जाएगा 187। कितना आ जाएगा? 187 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और ये 180 आ जाएगा। तो मतलब कि बड़ा तो ये ही है। कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, 17/18 हमारा बड़ा है। किससे बड़ा है? इन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि आप इसको 17 को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 × 10 = 180 होता है ना। तो कहीं ना कहीं इसको 0.99 चलाने से काम चल जाएगा, है ना। तो ये कहीं ये आपका आ जाएगा 0.9 कुछ आपका आना चाहिए, है ना, 9 कुछ आना चाहिए। और ये सबसे तो छोटा है, ये हमें पता है, ये 0.5 था, ये 0.75 था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑल्दो वहां पर आपके पास बहुत टाइम रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मिल रहा है, तो आराम से आप कर लेना इसको सोल्व आउट। सबका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक को पकड़ना, इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे करके आप कर सकते हो चेक, वो भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है? द सम ऑफ 3 नंबर इज 285। 3 नंबर का सम क्या है? 385। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? इतनी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ गई ना समझ में? अब देखो, अब यहां पर दे रखे हैं हमें रेशियो, 3 नंबर हमारे 385 के बराबर है। अब हमारे रेशियो दे रखा है 2 और 3 का 6/5 दे रखा है, 3 नंबर थे, और हमारा 1 और 2 का ये दे रखा है। अगर हम इनका सबका एक साथ कंपैरिजन कर लें, और इसको 3 नंबर क्योंकि इसके बराबर है, ये रेशियो हमारा इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है ना भाई। तो अब इस रेशियो को अगर पूरा मेंटेन कर लें कि 1 रेशियो 2 रेशियो और 3 रेशियो की क्या क्या वैल्यूज है, तो हमें पता चल जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इस 7 को बगल वाले में रख देते हैं और इसको इस वाले में, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये 18 हो गया, ये हमारा 42 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 35 हो गया। कितना आ गया? 35 हो गया। इनको रेशियोज को ऐड करने पर ये रेशियो कितना हो जाता है? 8 और 2 10 और 15 आ जाएगा, 5 यहां पर और 1 कैरी आगे, 4 और 3 7 और 1 8 9, तो ये 95 रेशियो हो जाता है। तो 3 रेशियो जो हमारे 3 डिजिट थी, 3 नंबर्स थे, उनका रेशियो हमारा 95 है, टोटल सम उनका, और वो टोटल है कितना असली में? 385 है। कितना है? 385 है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दे भाई, हम अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, राइट, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 385 नहीं है, सॉरी ये 285 था ना, ये 285 है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में दे रखा है 285, तो ये 285 हो जाएगा। तो इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये हमारा कितना हो जाता है? इसके बराबर आ जाएगा, मतलब 1 रेशियो बराबर हमारा 3 है। और हमें पूछा क्या है? थर्ड नंबर पूछा है, तो थर्ड नंबर का रेशियो कितना था? 35। तो 35 गुणा हमने 3 करा तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, कौन सा? थर्ड नंबर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है भाई, तो ये चीजें समझ में आ रही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 और 1 कैरी आपका, ये 105 आ जाएगा। कितना आ गया? 105, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो डी क्या है? हमारे लिए राइट आंसर है।
हमारा थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 105 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है भाई, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए मैन गोट रुपीज 130 लेस एज सिंपल इंटरेस्ट व्हेन ही इन्वेस्टेड रुपीज 2000 फॉर 4 ईयर एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग रुपीज 2254 सेम ड्यूरेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 120 रुपए कम इंटरेस्ट मिलता है उसको जब वो इन्वेस्ट करता है 2000 रुपए 4 साल के लिए और 2500 रुपए सेम ड्यूरेशन लिखा है मतलब कि 4 साल के लिए ही, तो उससे कम रुपए मिलते हैं उसको, कम इंटरेस्ट मिलता है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, जितने रुपए आपने लगाए वो प्रिंसिपल, रेट कितने रेट पर लगाया कि इतने परसेंट का हमें ब्याज मिलेगा, कितने साल के लिए लगाया अपॉन 100। ये आपका एक फॉर्मूला है किस चीज के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस हमारा कितना था, 130 रुपए उसको कितना कम मिल रहा था, है ना, 130 रुपए कम मिल रहा था, कब, जब उसने 2000 रुपए लगाए, तो मतलब 2500 रुपए जब उसने 4 साल के लिए लगाया था, इसमें बस वैल्यू पुट की है 2500 रुपए, रेट हमें पता नहीं है और 4 साल के लिए लगाया है, अपॉन 100 माइनस 2000 आर और 4 साल के लिए अपॉन 100, तो ये कुछ कंडीशन बन जाती है, 4R बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन है दोनों में, 4R अपॉन 100 तो ये अंदर हो जाता है, ये हो जाता है 2500, जो कि हम इसको इससे 2500 इस साइड ले आए और 100 को उस तरफ ले गए तो ये से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 4R रह गया। ठीक है, इतनी कंडीशन समझ में आ रही है, आ गई होगी, इतनी दिक्कत ही नहीं है। अब इस जीरो से भाई ये वाला जीरो काट दिया हमने और ये 25 से ये 4 बार आ गया, 4 बार आ गया। अब इस 4 से ये 4 कट गया तो R बराबर कितना बचा, 13। R बराबर बचा हमारा कितना बचा, R बराबर, तो R बराबर बचा भाई हमारा 13%, 13% हमारा रेट आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में था। तो आंसर तो हमारा हो गया भाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, 35 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट दिखा हमने, फॉर्मूला लगाया, बातों को सिर्फ इक्वेशन में पुट किया है, बातों को सिर्फ इक्वेशन में पुट किया है और कुछ नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी इन द सेंस कि आपको अभी शायद समझ ना आए, लेकिन लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आता है कभी भी तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बाद हम टॉपिक वाइज करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो दूसरे चैनल पर करेंगे, है ना। तो ये देखो 36 क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, 36 क्वेश्चन को देख लेते हैं, 3 साल में यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है, चक्रवर्ती ब्याज जिसे कहते हैं, ब्याज पर ब्याज, मतलब कि ब्याज से काम नहीं चल रहा, ब्याज पर फिर से ब्याज लगेगा, तो वो होता है हमारा चक्रवर्ती ब्याज। 3 साल में चक्रवर्ती ब्याज आया कितना, 3 साल में चक्रवर्ती ब्याज लगाने पर सम बन गया, जो रुपए उन्होंने लगाए थे वो हमारे 900 रुपए बन गए, और 4 साल में 1000 रुपए बन गए, मतलब ये अमाउंट है जो आपको मिलेगा कब, इंटरेस्ट जोड़ने के बाद, है ना। सम बिकम रुपीज 900 बट इन फोर्थ ईयर बाय कंपाउंड इंटरेस्ट द सेम सम बिकम 1000 रुपए बन गए। अब हमें सम बताना है कि कितना सम है और क्या रेट पर ये लगा है। ठीक है, इतनी सी बात है, सिंपल और बिल्कुल सीधी सी बात है। इसका रेट निकालने का तरीका ये होता है कि देखो
एक साल का ही अंतर है ये 3 साल में या 4 साल में, है ना? तो एक साल में कितने का फायदा हुआ, कितने रुपए बढ़ गए? 100 रुपए बढ़ गए, बढ़ गए ना 100। और शुरू में कितने थे? 900 थे। थे 900, ठीक है भाई। तो ये आपका 100 रुपए बढ़ गए, 900 से 1000 हो गया। अब कहां से हुआ? 900 से हुआ। इंटू 100 कर देंगे तो ये एक ये 100 से ये 9 कितनी बार, 1/9 हो जाएगा, ऊपर 100 रह गया और नीचे 9 रह गया, तो ये चीज हो जाएगी कटने के बाद, है ना? तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये जो चीज आती है ये आपका रेट निकला है। क्या निकलेगा? रेट। कितना रेट आपने मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो ये आएगा आपका 11.11%। इसको डिवाइड करके देखना, ये आ जाएगा 11.11%। तो इसमें 11.11 नहीं है, इसमें 11.11 नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो ये दो आंसर हो सकते हैं। अब ये चीज तो हमारी कंफर्म होगी कि इनमें से दो आंसर हो सकता है। अब हमें सम पता होना चाहिए पहला, कि ये कितना होगा। तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पर 900 कितने गुना हो गया, मतलब कि 900 इसका कितने गुना है, 3 साल में 900 था, 4 साल में 1000 हो गया, तो कुछ गुना हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कुछ गुना। तो कितने गुना हो रहा है वो निकालने के लिए 1000/900 कर लो, ये ऐसे जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 कितना आ गया, 1.1। तो 1.1% लगभग 1.11 ऐसे करके आता रहेगा, तो लगभग 1.1 मान के चलो कि 1.1% हमारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये 3 साल में है, तो ऐसे ही 2 साल में होगा, ऐसे ही 1 साल में होगा। यहां पर 3 साल में 900 था, तो ये इसको डिवाइड करोगे 1.1 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ये आपका इसको डिवाइड करोगे फिर से 1.1 से, तो आपका ये टोटल मिलाकर 1.1 × 1.1, ये वाली चीज आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल होगी। इसको डिवाइड करके देखना, इसको मतलब सोल्व करके देखोगे तो 1.1 × 1.1 कितना हो गया, 1.21, है ना, 1.21। इतनी चीज समझ में आ गई। नीचे अब ऊपर 900 था, इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.21 से 1.21 से डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। तो अब यहां पर देखो आप, ये 900 है 3 साल में, ये 4 साल में 9000, तो एक रेशियो निकल के आ रहा है कि एक का इतना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 1.1 गुना हो गया ये वाला इसका, है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात, इतनी चीज समझ में आ गई, समझ में आएगी नहीं। इसका गुना दिखाएंगे, गुना देखेंगे कि 3 साल से 4 साल जाने में कितना गुना हुआ, है ना, समझ में आ रही है बात। अब फिर आगे देखेंगे, हमें तो निकालना है क्या, 2 साल में प्रिंसिपल निकालना है, तो 2 साल में, फिर 1 साल में, और ये आपका प्रिंसिपल यहां पर होगा, ये 3 साल में, यहां पर आपका 900 रुपये हो गया है, हमें यहां की वैल्यू निकालनी है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा 1.11। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 900 को आप अगर डिवाइड करते हैं 1. ठीक है, तो ऐसे डिवाइड करेंगे 1.11, 1.11,
इस साल से इस साल 92 1.11, इस साल से 2 साल से 1 साल 92 1.11, और 1 साल से इसको आने में ये। तो इसको डिवाइड करने पर रिवैल्यू जो आएगी आपकी वो लगभग इतनी आएगी, लगभग इतना आएगा जो आपका 656.10 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है। फिर ट्रेडिशनल मेथड है वो तो बहुत लेंदी मेथड रहता है, ये चीजें मैं आपको करा दूंगा, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल माइंड में ये रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी दिखता है और ऐसा कहे कि 3 साल में इतना रुपए हो गए, 4 साल में इतने रुपए हो गए, या ऐसे कह दिया, कैसे कह दिया, जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन मान लो कि 2 साल में 900 रुपए होते हैं और 4 साल में 1000, है ना, समझ रहे हो, तो 2 साल में कितनी वो हुआ रेट बढ़ा, ऐसे करके चीजों को क्लियर करना है। ठीक है, समझ गए बात को। अब ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं इसको मिटा दूं क्योंकि है ना फिर दिक्कत आएगी, इसको इसको रहने देते हैं। फिर ये देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन है एक्स, इफ एक्स इजकल टू ए वाई इजकल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर, ये इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन मैं इनको लिख लेता हूं पहले, ठीक है भाई। तो ये देखो क्या क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये सोल्यूशन है x इजकल टू ए, तो इस वैल्यू को हमने इस इन इक्वेशंस में रख दिया, x की जगह a रख दिया और y की जगह b रख दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये दो इक्वेशन बन गई आपकी, बन गई ना दो इक्वेशन, इनके सोल्यूशन को रख दिया है, सोल्यूशन को रख दिया है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, हमें वैल्यू निकालनी है ए और बी की, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो बी में और बी माइन, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a, हो गया 2 और 4 जुड़ गया 6, तो a की वैल्यू यहां से आ गई, ये 2 नीचे जाएगा तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 3, है ना। और जो आपका b है, b के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में इसमें या इसमें a को 3 रख दो, यहां पर 3 रख दिया, b इस तरफ चला जाएगा 2 इस तरफ आ जाएगा, तो 1 आ गया, b की वैल्यू 1 आ गई, तो a 3 और b 1 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इतनी चीजें, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताओ, नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 and 39 and 40, तीन क्वेश्चन रह गए बस आज के लिए, बहुत कम क्वेश्चन लाया हूँ आज, 10 ही क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि ट्रिकी है, आपको 1-2 घंटा लग जाता है इसमें वीडियो में, है ना, 1 घंटा तो आराम से लगता ही है। तो देखो स्पीड दे रखी है, अमित कवर ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर इन 6 मिनट, 6 मिनट में 24 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या करता है अमित, एक डिस्टेंस को कवर कर लेता है, डिस्टेंस कुछ भी हो हमें क्या मतलब है, ठीक। इफ ही वांट टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को 8 मिनट में कवर करना चाहता है, तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी घटानी पड़ेगी, बताओ। पहली बात तो ये जर्नल क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पीड सर कम कर रहा, कम हो जाएगी, क्योंकि पहले तो 6 मिनट में पहुंच रहा था, अब 8 मिनट में पहुंच रहा है, कम चलेगा धीरे चलेगा तभी तो पहुंचेगा लेट, है ना। तो ये 30 दे दिया, 24 से 30, तो ये तो होने से रहा, है ना, 24 से 30 तो होने से रहा, अब एक ऑप्शन तो हट गया, तुक्का मारना है तो 3 में से मारना है अब, है ना, लेकिन तुक्का नहीं मारना अपन को, अपन को करना है सोल आउट। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम बात जानते हैं, हमें स्पीड दे रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर तो चलो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता सर हमें, और घंटा दे रखा है यहाँ पर, स्पीड आवर में दे रखी है और टाइम यहाँ पर 6 मिनट बोल दिया, अब कैसे करें,
अरे भाई हमें पता है ना यार। क्या पता है? एक घंटे में सर कितना घंटे मिनट होती है? 60 मिनट होती है। एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो अगर मुझे इसको मिनट को घंटा बनाना हो तो इसको इस तरफ ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा, तो एक मिनट में 1/60 घंटा होता है। ठीक है बस, तो 1/60 घंटा होता है, लेकिन हमें तो 6 मिनट दी थी, तो 6 मिनट के लिए 6 गुना करना पड़ेगा, (6) करना पड़ेगा, वो आ जाएगा 1/10। 1/10, 1/10, 10 नीचे की जगह ऊपर चल जाएगा, है ना, जो नीचे होता है वो ऊपर चल जाता है, सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, ये 10 इस तरफ है और नीचे 1 था, तो समझ पा रहे हो कितना आ गया, बोलो जल्दी से। तो हो गया कितना डिस्टेंस कवर करना था, कितना डिस्टेंस चला वो चला 2.4 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब लेकिन सर हमें तो 8 मिनट में बताना है कि स्पीड क्या है, स्पीड का फॉर्मूला यही है। डिस्टेंस अब हमें पता चल गई, अब हमें डिस्टेंस पता चल गई, ये स्पीड है, स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी है 2.4 किलोमीटर है। टाइम, सर टाइम नहीं पता, 8/ क्या कर दोगे, 1 मिनट में कितने घंटे, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 8/60 होता है, लेकिन 60 नीचे ना करके ऊपर कर दिया आप, ये पॉइंट है, एक पॉइंट हट जाएगा इस जीरो से, तो ये पॉइंट हट गया। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि 8 3 = 24 होता है, ये तो होता है कि नहीं होता, 8 3 = 24 और 3 × 6 कितना हो गया, 18। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताओ। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है बॉस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या कहा है, ये तो रिपीट क्वेश्चन है भाई, पिछले मैंने करा भी चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन। क्या लिखा है, राम हमारा 3 टाइम बूढ़ा है, ओल्डर है किससे, श्याम से। राम को आर मान लिया, श्याम को एस मान लिया, बन गई एक इक्वेशन। अब 2 साल पहले R-2, 2 साल पहले वो कितना हो गया, 5 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, तो ये भी भाई 2 साल पहले ही होगा, इसके भी 2 साल कम हो गए। तो सिंपल सी चीज है, ये वाला बोला था R = 3S, तो इस 3S को इसमें डाल दिया सेकंड इक्वेशन में, -2। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5S और ये हो जाएगा -10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आ गई ना, आ गई ना, आ गई ना, आ गई। अब देखो ये 3S इस तरफ चला गया, ये हो जाएगा 5S - 3S, 2S हो गया, और ये 10 माइनस का 10 था, इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो S बराबर आ गया आपका कितना, 4। मतलब श्याम की उम्र हो गई 4 और राम के कितनी हो गई, 3 गुना थी सर, 3 गुना थी श्याम की, तो 3 गुना भाई कितना होता है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया, 12। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो ही बताना। ठीक है, समझ गए, आ गई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कितना आसान और अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग का प्रयोग करना ही पड़ेगा वरना नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। देखो, एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स इज 36 ईयर्स। 4 फ्रेंड्स की एवरेज एज है 36। अब मैं तो जानता हूं और आप भी जानते हो, क्या जानते हो भाई, एवरेज इक्वल टू टोटल, कितना टोटल था और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रेंड जो भी है,
अब मैं तो जानता हूँ एवरेज सर 36 बता रखी है, टोटल मुझे पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स थे हम चार, तो टोटल कितना हो गया, कितना हो गया टोटल, 36 गुणा 4 करेंगे, 36 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 144, 144, जो कि 12 का स्क्वायर भी होता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, पता है ना 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। ये आ गया आपके टोटल एज, टोटल एज। ठीक है बॉस, अब कहता क्या है, द यंगेस्ट एज फ्रेंड अमंग, 6 साल की उम्र है, यंगेस्ट जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र है कितनी, 6 साल। ठीक है भाई, तो 6 ईयर का है आपका एक बच्चा। अब उसके जन्म पर बोला है, तो जन्म मतलब कि 6 साल घटा दो ना, 6 साल घटा दिया, हर एक में से घटेगा 6 साल, क्योंकि जन्म की बात की है, जब वो 6 साल का था तो हर एक में से 6 घटेगा, तो 6 गुणा 4 करो, 24। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया। तो 44 घटा दिया, 144, 144 में से 24 घटा दिया, तो 120 बचा टोटल। लेकिन 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 इसके जन्म पर कहा है, जन्म पर कितने बचे थे, ये तो रहा ही नहीं होगा ना, अपने जन्म को भी तो हटा दिया, तो जन्म पर मतलब आदमी कितने रहे, एवरेज कितना हो जाएगा, ये 120, सब 120। ठीक है बॉस, तो अब यहां पर ये चौथा तो रहे ही नहीं, उसकी एज हमने क्या कर दी, माइनस कर दी, तो अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, अब ये 3 ही रह गए, तो एवरेज एज क्या हो गई, 3 से 120 को करा डिवाइड, तो एवरेज हो गई 40 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको क्लियर हो रही है और चीजें आपको पसंद भी आ रही है। अगर चीजें पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।